दोस्तों, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा में इतनी तरक्की के बाद भी दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो अनसुलझी और रहस्य बनी हुई हैं और इंसानों को बार बार सोचने पे मजबूर करते हैं। आज के दोस्तों इस एपिसोड में बात करेंगे 5 ऐसे रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो अनसुलझी और रहस्य बनी हुई हैं और हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। शुरुआत करते हैं मैरी सेलेस्टी से। मैरी सेलेस्टी नामक जहाज 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर के एक सुनसान इलाके में रहस्यमय तरीके से मिला। इस जहाज को कैनेडियन ब्रिगेंटिन ने ढूंढा था। 113 फीट लंबे इस मैरी सेलेस्टी जहाज के अंदर जाने के बाद पाया गया कि जहाज की बहुत सी चीजें बिखरी हुई हैं। जहाज में लादे गए जहरीली शराब पूरी तरह से सुरक्षित अपने स्थान पर मौजूद थे और जहाज समुद्र में पूरी तरह से चलने के लायक थी, लेकिन जहाज की आपातकालीन लाइफ बोट लापता थी। जांच करने के बाद पता चला कि इस जहाज का लास्ट लॉक 10 दिन पहले किया गया था और जहाज 1 महीने पहले न्यूयॉर्क के जिनेवा से 7 नवंबर को रवाना हुआ था। अब दोस्तों, इसमें रहस्य की बात यह है कि उस जहाज में सवार कप्तान सहित बाकी के सभी कर्मचारी लापता थे। उन सभी लोगों को आज तक कभी देखा सुना नहीं गया। अब वो सभी कहाँ गायब हो गए, यह एक रहस्य बना हुआ है। दूसरे नंबर पर है हेरोल्ड होल्ट का एकाएक गायब होना। हेरोल्ड होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे। 17 दिसंबर 1967 को होल्ट अपने परिवार और परिजनों के साथ चेवियट बीच पर तैराकी के लिए गए थे। हालांकि लहर तेज होने के बावजूद भी होल्ट ने तैरने का फैसला किया। पानी में जाने के थोड़ी ही देर बाद होल्ट एकाएक लापता हो गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस की एक बहुत बड़ी दल, ऑस्ट्रेलियन नौसेना के गोताखोर, तैराक, वायुसेना के हेलीकॉप्टर, ऑस्ट्रेलियन आर्मी और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर पूरे तट का घेराव कर लिया। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक था। 2 दिन तक चली इस बड़ी खोज में होल्ड का कुछ भी पता नहीं चल पाया और अंत में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने होल्ड को मृत घोषित कर दिया। होल्ड का इस तरह से गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। तीसरे नंबर पर है डीबी कूपर। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक शख्स आता है जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर नंबर 305 से फ्लाइट नंबर 727 का सिएटल जाने के लिए टिकट लेता है और अपना नाम डेन कूपर बताता है। सिएटल जाने वाले इस जहाज में बैठकर कूपर सिगरेट जलाता है और फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को एक बॉर्बन और सोडा ऑर्डर करता है और फ्लोरेंस के हाथ में एक चिट्ठी देता है। फ्लोरेंस चिट्ठी को बिना खोले अपने पॉकेट में डाल लेती हैं। कूपर उन्हें बुलाकर उनके कान में कहता है कि आप उस चिट्ठी को खोल के देखिए, मेरे पास बम है। इतना सुनकर फ्लोरेंस के होश उड़ जाते हैं। कूपर उन्हें अपने पास बिठाकर अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है जिसमें 8 सिलेंडर आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद कूपर यात्रियों की जान की कीमत $2,00,000, 4 पैराशूट और सिएटल में विमान पहुँचने के बाद 1 टैंकर तेल की मांग करता है। फ्लोरेंस इस बात की जानकारी कॉकपिट पर बैठे कैप्टन तक पहुंचा देती हैं। पायलट विलियम इसकी सूचना सिएटल हवाई अड्डे पर दे देता है। यह घटना सबको हिला के रख देती है। अधिकारियों की पहली प्राथमिकता यात्रियों की जान बचाना रहता है। वह लूपर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और FBI 2 लाख के $20-$20 के नोट तैयार करके लूपर को दे देती है और उसकी सभी मांगे पूरी कर दी जाती हैं। उसके बाद लूपर पायलट को विमान को मैक्सिको की तरफ चलने के लिए कहता है। जहाज चलने के बाद कूपर सभी कर्मचारियों को कॉकपिट में भेज देता है। चलते जहाज में कूपर सिएटल और रीनो के बीच यह पैराशूट की मदद से विमान से कूद जाता है और उसके बाद डेविड कूपर के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती और यह आदमी कौन था यह कोई नहीं जानता। 1980 में एक बच्चे को पुराने नोट का पैकेट मिला था जिसमें सभी $20-$20 के नोट थे और उनके नंबर कूपर को दिए गए नोट से मैच कर रहे थे। इस केस के बारे में इससे अधिक जानकारी कोई और नहीं जुटा पाया है। इस घटना के 44 साल 7 महीने बाद FBI ने इस केस को बंद कर दिया। अब ये डीबी कूपर कौन था और कहां से आया था, यह एक रहस्य बना हुआ है। चौथे नंबर पर है सीरियल किलर जैक द रीपर। 1888 में लंदन के एक अखबार में एक खूंखार अपराधी की खबर छपी। उसने अपने उस खत में लोगों को अपनी पहली हत्या के बारे में बताया और इसके साथ साथ उसने यह भी बताया कि वह और भी हत्याएं करने वाला है। यह खबर काफ़ी विवादित रही, मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक नाम दे दिया था, जैक द रीपर। उसके बाद जैक द रीपर ने
एक एक करके 5 अलग अलग हत्याओं को अंजाम दिया। वह ज्यादातर वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था। वह एक खास तरीके से लोगों की जान लेता था। वह अपने शिकार की गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से एक सर्जन स्पेशलिस्ट की तरह कलम कर देता था। जैक द रिपर के चौथी हत्या ने पूरे लंदन को हिला के रख दिया था, जिसके घटनाएं वारदात पर रानी विक्टोरिया भी गई थी। रानी विक्टोरिया ने इस घटना पे बहुत से बड़े बड़े जासूसों का आमंत्रित किया था, लेकिन उसके बाद भी जैक द रिपर ने अपनी 5वीं हत्या को अंजाम दिया। उसकी 5वीं शिकार थी मेरी केली। मेरी केली रिपर की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। 25 साल की वह अकेली महिला थी जिन्हें उनके घर के अंदर मारा गया था। उसके बाद जैक द रिपर एकाएक कहीं गायब हो गया और हत्याएं होनी बंद हो गई। हालांकि जैक द रिपर कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, वह आज भी रहस्य बना हुआ है। 5वें नंबर पर है तमम सद। तमम सद शब्द 1 दिसंबर 1948 में एडिलेड के सोमर्टन समुद्री तट पर मृत पाए गए एक अज्ञात शख्स से जुड़ा हुआ है। इस घटना को सोमर्टन मैन के नाम से भी जानते हैं। सुबह के 6:30 बजे सोमर्टन बीच पर एक शव मिलता है जिसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। इसके मेडिकल रिपोर्ट में यह पता चलता है कि यह आदमी की मौत नींद में सोते वक्त हुई होगी। उस सोमर्टन मैन के ऊपर के जेब से एक अनयूज सिगरेट का पैकेट, एक सेकेंड क्लास रेल टिकट, एक बस टिकट, एक कंघी, आधा यूज हुआ च्युइंगम का एक पैकेट, एक मैच बॉक्स और उसके ट्राउजर में एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें तमाम सूत लिखा रहता है। ट्रांसलेट करने के बाद पता चलता है तमाम सूत का अर्थ अंत या समाप्ति होता है। डिटेक्टिव्स के काफी पता लगाने के बाद यह पता चलता है कि यह कागज का टुकड़ा रुबायत नामक बुक से फाड़ा हुआ है, जो बुक एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन उमर खयाम द्वारा लिखी गई है। यह रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब इस पुस्तक में लिखा हुआ एक कोड मिलता है जो आज तक डिकोड नहीं हो पाया है। अब यह आदमी कौन था, कहां से आया था सोमर्टन बीच पर, यह एक रहस्य बना हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो और अगर आप हमारे आशा करूँगा दोस्तों कि इस वीडियो के लिए मुझे आपका एक पर्सनल लाइक तो ज़रूर मिलेगा।